राष्ट्र का परचम गगन को चूम कर लहरा रहा, वर्तमिर अज्ञानता का और भी गहरा रहा। देश की प्रतिभा सराही जा रही है विश्व में, कोटि जनता का हृदय बिन ज्ञान के कुमला रहा। कोटि जनता का हृदय बिन ज्ञान के कुमला रहा। आइए हम ज्ञान का दीपक जलाएं, आइए अक्षर सुधारस का पिलाएं, हम बचाएं लाज अपने पूर्वजों की, विश्व के गुरु की मिली थी इनको संज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा। सिर्फ एक प्रार्थना और है। हाँ बताइए ना। कल कुछ मजदूर साथी आए थे, मुझे मिले थे जी। उनकी एक इच्छा है कि कल से हम जो अब तक 8 घंटे की शिफ्ट में 7 घंटे काम करते थे और 1 घंटा पढ़ते थे, तो अब मजदूरों की इच्छा है कि हम 8 घंटे मिल में काम करेंगे और 1 घंटा पढ़ाई के लिए जो अतिरिक्त है वो हम मजदूरों का होगा, वो मिल का नहीं होगा। अच्छा, तो ये मुझे सर बहुत अच्छे लगे उनके विचार, जो वास्तव में होना चाहिए। तो इसलिए मैं उनकी जो प्रार्थना है इसमें मेरी भी शामिल है, मैं आपके पास हाजिर हो गया। आप लोगों के उद्गार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अक्षय साहब से इस बारे में बात करूंगा। अरे साहब, अक्षय साहब तो महान है, उन्होंने तो हम सबके लिए इतना किया है कि हम जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूल सकते। भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे। अच्छा प्रसाद साहब, मैं आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर, प्रसाद हेयर सर। हाँ जी सर। हाँ एवरीथिंग इज ऑल राइट सर। जी सर। हाँ वो फाइल मैंने देख ली थी। हाँ वो सब ठीक है सर। वो केन कमिश्नर साहब आपसे मिलना चाह रहे थे। हाँ अपॉइंटमेंट मांगा था उन्होंने मंडे का, लेकिन आप तो मंडे जा रहे हैं ना सर। हाँ ठीक है सर, तो मैं मंडे मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लूँ उनके साथ। जी सर ठीक है। अनदर थिंग सर, वो नेताजी आए थे मेरे पास, कह रहे थे कि वर्किंग आवर्स जो हमने 7 घंटे कर दिए थे उनके, उसको बढ़ाकर फिर से 8 घंटे कर दिए जाएं। जी सर। नो सर, ही वॉज वेरी हम्बल। जी हाँ, बाकी डिटेल्स मैं आपको फिर बताऊंगा सर। जी ठीक है सर। ओके सर। राम राम बेटा, जीते रहो। कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही घर से आ रहा था, मिल की तरफ जा रहा हूँ। अरे मिल में कहाँ रखा है? कोई पैसा ऐसा बकाया है? अरे नहीं चाचा, सुना है गन्ने की नई किस्म आई है, मालिक लोग ब्राजील से लेके आए हैं, और इसका उत्पादन चाचा सामान्य गन्ने से कहीं ज्यादा होता है चाचा, उसी का पता करने जा रहा हूँ। ब्राजील से नए गन्ने की किस्म आई है? अरे बेटा मैंने तो सुना मालिक लोग मिल बंद करने वाले हैं, तू भी क्या उल्टी गंगा बहा रहा है। चाचा ये तो अफवाह है चाचा, बिल्कुल कोरी अफवाह। नए मालिक ने तो हमारे इलाके का भाग्य ही बदल कर रख दिया है। चाचा आप भी कहाँ रहते हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता आपका। अरे बेटा मैं क्या, मैं तो कली शहर से आया हूँ, बड़े बेटे के पास रह के इलाज करा रहा था। मिल का एक भी मजदूर चाचा अनपढ़ नहीं रहा, और तो और उनकी बीवियां तक भी पढ़ी लिखी हो गई हैं।
मालिक के जो मालिक की जो पत्नी है ना वो रिचा जी, उनका तो नाम घर घर के जितने भी किसान है ना सब में हो रहा चाचा, खूब नाम चल रहा। उन्होंने साक्षरता अभियान चला रखा है। अच्छा? और गांव की एक भी लड़की चाचा बेकार नहीं है। हाँ अच्छा चाचा चलता हूँ। अच्छा अच्छा जीते रहो। अब बेटा हाँ। वो ब्राजील वाला जो गन्ने का बीज बता रहे हो वो हमारे लिए भी रख लेना। अच्छा चाचा ले आऊंगा चाचा। अच्छा अच्छा चाचा बाबा मिल चलना है क्या? आओ आओ जल्दी आके लो पक्के बैठो। जल्दी आओ जल्दी आओ। बढ़िया हो। और आप आपके केंद्र में कैसा चल रहा है? किसी तरह की कोई परेशानी? सब लोग आते हैं आपके केंद्र में? हमारे केंद्र में सब ठीक ठाक है। मिल के स्थापना दिवस समारोह इस साल बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस साल मिल की स्थापना को 50 वर्ष पूरे होंगे। मैं वंदना प्रसाद जी जो हमारे साक्षर अभियान के संचालिका हैं, वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगी वो आपसे कुछ बातें कहें। मैं चाहती हूँ कि इस अवसर का लाभ उठाकर हम महिलाएं आगे आएं और अपनी व्यापक गतिविधियों की जानकारी समारोह में सम्मिलित होने वाले हजारों लोगों तक पहुँचाएं। इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने केंद्रों की विधिवत रिपोर्ट तैयार कर लें। ऋचा जी समारोह से ठीक एक माह पूर्व आ जाएंगे और सारे पंचायत केंद्रों का दौरा करेंगे। अब मिस विनीता आपसे कुछ कहना चाहेंगी। मैं आप सब छात्राओं से ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने विद्यालयों से ऐसे छात्राओं को चुनें जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकें। आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आप सब लोग ऐसे छात्राओं को चुनिए जो जिन्हें की नृत्य आता हो, संगीत में भाग लेना चाहते हो, उन्हें आगे लाइए। उनकी एक लिस्ट बनाकर, सूची बनाकर हमें प्रस्तुत करिए। यदि आप ये कार्य शीघ्र करेंगे तो हमें कार्यक्रम प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी और हम तैयारी आराम से कर सकेंगे। जी हाँ जी। रितु जी आप ये बताइए कि जितने केंद्र अभी तक खोले गए हैं जी उसमें ठीक काम चल रहा है? जी हाँ, 10 केंद्रों में तो काम बिल्कुल ठीक है, बाकी 2 केंद्रों में काम अभी शुरू करना है। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी वहाँ से मैडम लिस्ट नहीं आई है ना। अच्छा, तो लिस्ट जब तक नहीं आती है तब तक, वैसे मैंने कह दिया है कि लिस्ट भिजवा दें और आप लोग भी जल्दी से अपने केंद्र की जो है लिस्ट हमें भेज दीजिएगा ताकि हम आगे का काम जल्दी शुरू कर सकें। ठीक है। और आप लोग अपनी सूची इनको बता दीजिएगा। हाँ, जो जो सामान आपको चाहिए आप इनको कह दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। Thank you.
मैंने हमने 12 केंद्र खोले हैं पूरे गांव में और हमने स्कूलों में भी किताबें देनी शुरू कर दी और उसकी सारी डिटेल्स जो है मैंने इस फाइल में लिख दी हैं तो आप देख लीजिएगा इसमें सारी डिटेल्स हैं। इस सूची के अनुसार जो काम जिसे दिया गया है वो उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाएगा। रीचा मेम साहब के आते ही सबसे पहले वो तुम सब लोगों से मिलेंगी, फिर समारोह के बारे में पूरी जानकारी लेंगी। उनके आने से पहले हमें पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना होगा। कुसुम, तुमने कुछ लिखा है, तुम कह रही थी जी। पढ़ो। अक्षय भैया आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। अरे वाह, जोर से बोल करो। अक्षय भैया आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। आगे भी पढ़। रीचा भाभी आई थी, ज्ञान की गठरी लाई थी। दान किया, हम उनको नहीं बुलाएंगे, खून पसीना देकर भी हम उनका कर्ज। अरे वाह, कितना अच्छा लिखा है। ऐसा है, इसको पक्का कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना और फिर हम देखने आएंगे, ठीक है? तो शर्माना मत, आराम से पढ़ियो। केंद्र में किसी तरह की कोई परेशानी? 20 सेट ये कौन सा बुक? 20 सेट। अच्छा, केंद्र का नंबर क्या है आपका? 4 होगा। अरे इसको एक दिक्कत थी, वो कौन सितारो थी ना जिसका आदमी उसे मारता था, रोकता था या नहीं आने देता, तो बताना इनको। बहुत प्ले करते हैं वो, इसकी वो आने से ऐसे रोकते हैं कि पढ़ना वढ़ना क्या, घर के काम करो। और वो पढ़ना चाहती है, ऐसे करके उसके घर जाकर उसे समझाओ। आप लोग समझाओगे ना तो वो समझ जाएंगे। हम उसके घर जाएंगे, उसके पति को समझाएंगे, ठीक है? हम आएंगे। अच्छा, आपके केंद्र में कितनी औरतें आती है? 20 आ रही है। ऐसा है की आपके केंद्र एक डिटेल्स मेरे पास नहीं है, ऐसा करिएगा आप अपने केंद्र की सभी औरतों के नाम लिखकर मुझे दे दीजिएगा, ठीक है? और जितनी भी डिटेल्स है हमारी, हमने 10 और 12 केंद्र खोले हैं पूरे गांव में और हम जो है स्कूल में भी किताबें पहुंचा रहे हैं, तो ये सारी डिटेल्स जो है इस फाइल में है, ठीक है? इनके केंद्र की नहीं है तो वो मैं निकाल के, ठीक है? तुम्हें क्या चाहिए था वो अब बताओ ना इन्हें। सलाद वगैरह? अच्छा, सलेटे चाहिए आपको? कितनी चाहिए? जो भी चीज चाहिए बता दीजिए। सलेटे चाहिए और क्या चाहिए? कॉपी चाहिए, किताब भी कम से चल रही है, किताब भी, पेन भी दिलवा दीजिए। अब ठीक, पेन ठीक है, कॉपी किताबें पेन आपका क्या है? जिसमें दो और तक कम पड़ती, थोड़ी ज्यादा उससे चलानी पड़ रही है हमें। चलिए वो तो हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कितना नंबर केंद्र आपका? हाँ, केंद्र नंबर बता दीजिए। केंद्र नंबर इनका 5 है। अच्छा, 5 नंबर है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो हो गए, और किसी चीज की जरूरत है बता दीजिए आप लोगों को, हम बताते रहेंगे। अगर कमी देखेंगे तो फिर आपसे बोल देंगे, ठीक है? नहीं, हाँ वो तो है। और बाकी समारोह के लिए और जो कार्यक्रम तैयार करने हैं तो वो कुछ इन दोनों की कविताएं हैं, कुछ और ने भी लिखी गाने वाने वो भी तो आ जाएंगे। हाँ, ढोलक भी लानी आती है आपको? हाँ, तो बस गाने वाने तैयार कर लेंगे ना? कर देंगे हम तो, अभी परेशानी तो नहीं है। अरे हम भी सुने। अरे शुरू कर। अरे शुरू कर। अरे बिटिया, सोई नहीं अभी तक? आप भी तो जाग रहे हैं दद्दू। दद्दू, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? लगता है नींद नहीं आ रही। बेटा, जिस घर के जवान बच्चे दिन रात जाग जाग कर मेहनत करते हो, उस घर के बूढ़े की आंखों में नींद कैसे आ सकती है? ये कैसी बातें कर रहे हैं दद्दू आप? बिटिया, जो सपना मैंने देखा था अक्षय और ऋचा की
मेहनत देखकर अब मेरा विश्वास है कि वो एक ना एक दिन जल्दी ही पूरा होगा। हाँ हाँ दद्दू, क्यों नहीं, आपका सपना जरूर पूरा होगा और फिर आपका आशीर्वाद जो है हम सबके साथ। अब दद्दू अब चलिए प्लीज, वैसे भी रात काफी हो गई है, अब सो जाइए दद्दू प्लीज। आइए आराम से। हाँ बेटा बहुत जाग लिया, अब तो एक दिन सोना ही है। रिचा अभी तक काम कर रही हो, मालूम है क्या टाइम हो रहा है? क्या? 1 बज गया है। चलो बंद करो सब और आराम करो, सो चल के। मामा मैंने कल सुबह कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग बुलाई है, ये काम बहुत जरूरी है, आई मस्ट वर्क नाउ। बेटे रात को देर से सोगी तो सुबह जल्दी कैसे उठोगी? ठीक है मैं जल्दी से निपटाती हूँ। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। सर आइए प्रसाद सर, आइए बैठिए। थैंक यू सर। और सुनाइए क्या खबर है? सर मैं आपको बधाई देने आया हूँ। बधाई? आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई सर। पूरी प्रतिज्ञा? हाँ, हमारी मिलों के सारे वर्कर अब साक्षर हो गए हैं। आप सच कह रहे हैं प्रसाद सर? हाँ सर। तो बहुत अच्छी खबर सुनाई प्रसाद सर जी, मेरा सपना सच हो गया, इसका तो सारा श्रेय आपको जाता है प्रसाद सर। ये तो आपका बढ़ापन है सर, आपकी इतनी बड़ी उपलब्धि में मेरी छोटी सी भागीदारी थी, उसे आप इतना बड़ा श्रेय दे रहे हैं, इसके लिए मैं क्या कहूँ। आपके बिना ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? अच्छा वो जयराम जी से आपकी बातचीत हुई? नहीं सर, मैंने सोचा कि ये खुशखबरी मैं खुद ही आपको आकर के दूँ, फिर बड़े साहब से मिलने की लालसा भी है। अच्छा। उनकी तबीयत ठीक है सर? हाँ ठीक है। क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी तो वो थोड़ा आराम कर रहे होंगे, अभी थोड़ी देर में यहीं आएंगे जी। मैं ऐसा करता हूँ जयराम जी को भी यहीं बुला लेता हूँ। अच्छा जी। और अब बैठिए मैं फोन करता हूँ। ठीक है सर। जयराम जी? हाँ। फाइन, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा वो धर्मपुर शुगर मिल से मिस्टर प्रसाद आए हुए हैं। हाँ हम लोग आपसे मिलना चाहते थे। हाँ यहीं आ जाइए आप। ठीक आ रहे हैं। और सुनाइए। सर हमने अपने मजदूरों के हस्ताक्षर इकट्ठे करने का जो अभियान चलाया था वो भी पूरा होने जा रहा है सर। अच्छा अच्छा। कल सारे हस्ताक्षर आपके पास पहुंच जाएंगे। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है जी सर। हाँ रिचा, दादाजी अगर जाग गए हैं तो उन्हें ड्राइंग रूम में ले आना। हाँ वो मिस्टर प्रसाद आए हुए। हाँ थोड़ी मिठाई भी ले आना। ठीक। लिटरेसी के फील्ड में ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर। अच्छा बड़े साहब। अरे अजय कैसा है बेटा? ठीक हूँ सर। बैठ बैठ। दादी आपको मालूम है प्रसाद साहब कितनी खुशी की खबर लाए? क्या खबर है बेटा? आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी दादाजी, आज हमारी मिल में एक भी मजदूर अनपढ़ नहीं है। अच्छा भाई वाह, ये तो सचमुच बहुत खुशी की खबर है। प्रसाद साहब अब अपने हाथों से दादाजी का मुंह मीठा करवाइए। ले बेटा पहले तुमने। आप लीजिए। ले बेटा। बैठ बेटा बैठ। भाई आप भी लीजिए प्रसाद साहब। थैंक यू। थैंक यू सर। आप भी लीजिए। अरे आओ बेटा जयराम जी, हम आप ही की वेट कर रहे थे। लीजिए मुंह मीठा कीजिए। किस चीज की मिठाई सर? हमारी धर्मपुर शुगर मिल ने 100% लिटरेसी अचीव कर ली। वंडरफुल।
That's a great achievement. Congratulations to Mr. Prasad. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Very. बेटा अक्षय जी दादाजी तुम्हें बहुत बधाई हो बेटा मुझे बहुत खुशी है आज कि मेरे जीते जी ही तुम्हारी ये प्रतिज्ञा पूरी हो गई दादाजी ये तो छोटी सी प्रतिज्ञा थी अभी तो ऋचा की प्रतिज्ञा पूरी होनी बाकी है बाकी आपका आशीर्वाद चाहिए अभी तो और बहुत कुछ करना है हाँ बेटा और सुनाओ तुम्हारी शुगर मिल कैसी चल रही है बड़े साहब आपके पुण्य प्रताप से अक्षय साहब और ऋचा जी का नाम सब बड़े आदर से ले रहे हैं सभी लोग अक्षय साहब में आपकी छवि देखने लगे हैं हाँ आप सुनाइए बाकी मिल्स का क्या हाल है बाकी मिल्स का तो परफॉर्मेंस सर बहुत ही अच्छा चल रहा है और साक्षरता अभियान भी बहुत सफल हो रहा है सारे शुगर वर्ल्ड में इस अभियान की बड़ी ही प्रशंसा हो रही है सर भाई ये सब आप लोगों की लगन और मेहनत का परिणाम है अच्छा चलिए सब लोग आज हमारे साथ नाश्ता कीजिए दादाजी इस बार धर्मपुर शुगर मिल की स्थापना दिवस का गोल्डन जुबली फंक्शन मनाया जा रहा है और सब लोग चाहते हैं कि इस बार आप भी वहां आए और मेरी तरफ से उनके लिए इससे बड़ा उपहार और क्या होगा बेटा चाहता तो मैं भी यही था कि मैं स्वयं इस अवसर पर वहां जाऊं अपने सपनों को साकार होते हुए देखूं पर मेरा स्वास्थ्य ठीक है अगर डॉक्टर इजाजत दे तो ले चलना एक बात और ऋचा और रश्मि तो अक्सर वहां आती जाती रहती हैं इस बार राजीव और शकुंतला को अवश्य ले चलना जी दादाजी Quite good. Thank you, sir. अच्छा और क्या है जी ये हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स हैं जिन्हें आपने इनविटेशन के लिए कहा था उनको इनविटेशन भेज दिया है बाकी डिटेल्स जो जो है सब दिया हुआ है आप चेक कर लें अच्छा हाँ मेहमानों के ठहरने का बंदोबस्त हो गया हाँ सर और उन साक्षरों की सूची जिन्हें मंच पर बोलना है ओ, हाँ वो देता हूँ अरे इतने लोग हो गए सर देयर इज ए गुड न्यूज फॉर आवर इंडस्ट्री हमारे जो साक्षर मजदूर हैं उनमें से कुछ मजदूर एक छोटा सा स्किट मंच पे करना चाहते हैं अच्छा अगर आप इजाजत दें तो ठीक है लेकिन आपने स्किट देखा है ना हाँ हाँ मैंने देखा है ठीक है इट्स क्वाइट गुड तो करें वो लोग बहुत अच्छी बात है थैंक यू ये भी ठीक है अच्छा क्या हम दादाजी को फंक्शन में ले जा सकते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं बस ये ध्यान रखना इनका रूटीन डिस्टर्ब ना हो इनके खाने पीने का आपको ध्यान रखना होगा और हो सके तो एक बार डाइटिशियन से परामर्श आप कर लें और इस बात का बेहद सख्त ध्यान रखें कि इनको एक्सर्शन बिल्कुल ना हो डॉक्टर साहब क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा आप ठीक समझे भैया मैं भी साथ चलूंगी नहीं नहीं रश्मि तुम्हारे एग्जाम है तुम नहीं चल सकती मैं वहां थोड़ा पहले जाकर दादाजी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करा देती हूँ ठीक ठीक है याद है बेसंत वे अपने मनीषी विश्व भर को स्वयं के दर्शन दिए थे ज्ञान और विज्ञान का आलोक पाकर विश्व मानव के मलिन मन खिल उठे थे स्वर्ग में वो
सोचते क्या आज होंगे, ज्ञान को जो धर्म अपना मानते थे। आइए हम राष्ट्र को शिक्षित बनाएं, अज्ञान के संताप को दिल से मिटाएं। आज यदि ऐसा नहीं हमने किया तो होगी ये उन देवताओं की अवज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा।